अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या चाल है आप सबको? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज हम इमरान भाई के शेड पे जा रहे हैं, कैनल पे जा रहे हैं उनके। तो वहाँ पे जाके उनसे पूछेंगे कि उनके कैनल का नाम क्या है, उनका प्रॉपर एड्रेस लेके देंगे और कौन कौन सी ब्रीड्स उनके पास सेल के लिए आई हुई हैं, वो सारी डिटेल जो उनसे आगे वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी मेरी न्यू अपडेट आए वो आपको बासानी नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। तो बाकी आप वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ तो व्यूअर्स, अब आपको हम इमरान भाई से मिलवाते हैं, इनसे पूछेंगे और कौन कौन से डॉग्स अवेलेबल हैं जो कि फॉर सेल है और इनका कैनल है कि नहीं, वो भी आपको पूरी डिटेल लेके देंगे। वीडियो को आप एंड तक देखते रहें। तो अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आपका कैनल है। जी मेरा कैनल है। अच्छा, तो कौन कौन सी ब्रीड आपने रखी? मेरे पास लैब है, कनकोर्सो है, बुल मैस्टिव है और अभी लैब के पपीज भी मैंने लेटर आया। ठीक हो गया। तो ये हमारे व्यूअर्स को कौन सा डॉग दिखाएंगे? ये कनकोर्सो है। कनकोर्सो जी। तो इसकी एज कितनी है? ये 4.5 माह का है। 4.5 माह जी। तो क्या पेडिग्री वगैरह है? ये नॉन पेड है, इनके फादर बाइट से इम्पोर्ट है डायरेक्ट, ये फर्स्ट लीटर हुआ है इनका इधर। तो एज कितनी होगी इसकी? ये 4.5 माह का है, मुकम्मल वैक्सीनेटेड है ये। हाँ प्रॉपर, हाँ हाँ, डॉक्यूमेंट इसके सारे अवेलेबल है। तो इसके अगर डिमांड की बात करें? ये डिमांड तो इसकी तकरीबन 4 लाख है, लेकिन ये तो हम मुनासिब दे देंगे आपको। कमी पेशी हो जी, हो जाएगी इंशाल्लाह। जी जी हो जाएगी। तो बाकी इसको जरा चल के चला के एक दफा दिखा। रैम्बो आजा आजा, रैम्बो आजा आजा बॉय, आजा आजा आजा, शाबाश गुड बॉय। साइज काफी अच्छा है। कितनी एज बताइए इसकी? 4.5 माह की है। 4.5 माह है तो इसका साइज कितना बड़ा होगा? ये किंग साइज में है, ये काफी बड़ा होगा। अभी तो 4 माह का आपके सामने, मतलब इससे थोड़ा सा इस तरह ही और इससे डबल। हाँ इससे डबल होगा, इससे डबल होगा। इसकी ये पूंछ जो होती है हुड पिट वाली? हाँ ये क्रॉपिंग होती है, इनके एयर्स भी होते हैं और टेल भी क्रॉप होती है। हो गया। तो ये पेस आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर बॉडी स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं टेल। तो बाकी अब नेक्स्ट डॉग की तरफ चलते हैं, उसका बता दें आप। नो नो। अच्छा तो ये कौन सी ब्रीड है? ये भी कनकोर्सो ही है। अच्छा ये छोटी नस्ल के हैं, मतलब बच्चे छोटे छोटे वो पहले लीटर में साथ, ये दूसरे लीटर है, ये सेकंड लीटर है। जी सेकंड है। ठीक होगा। तो इनकी एज कितनी है? ये 50 डेज के हो गए हैं आज। 50 डेज के हो गए, दोनों फीमेल हैं। एक्टिव हैं? फीमेल है। हाँ दोनों फीमेल। तो इनकी क्या डिमांड कर रहे हैं? ये हम 1.5 लाख रुपए का दे देंगे आपको फाइनल। 1.5 लाख रुपए का हो जाएगा। ठीक हो गया। तो बाकी बॉडी स्ट्रक्चर देखा है, मतलब ऐसे हेल्दी एक्टिव है आपके सामने ये चीज। लीजा Really? तो इनके जो से कान वगैरह इनके अभी कटे नहीं हुए? ये क्रॉपिंग गर्मी थी जिसकी वजह से नहीं करवाई, लेकिन तकरीबन 1 माह तक इंशाल्लाह करवा लेंगे। इनकी साइज थोड़ा बड़ा। हाँ वैक्सीन इनकी प्रॉपर चल रही है अभी। पेडिग्री है? नॉन पेड है ये भी। हाँ नॉन। ठीक हो गया। तो इसका ये जरा एक कॉपी को पकड़ना, फेस ठीक। ये गोल्डन रिट्रीवर है। गोल्डन रिट्रीवर है। तो ये कलर वैसे थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, ये इसका कलर तो कोई है? ये होते हैं नहीं, कलर का कोई इशू नहीं होता। मदर इनकी डार्क थी, ये फादर इनका लाइट था थोड़ा सा। वो व्हाइट में कहीं लाए गई या? नहीं नहीं, ये गोल्डन से कलर आएगा। गोल्डन के लाएंगे। तो ये जेंडर के दोनों का? ये वो फीमेल है, ये मेल है। ये वाली फीमेल और वो मेल है। जी ठीक होगा। तो इसके अलावा भी ब्रीड आई भी आपके पास? अभी लैब के पपीज हुए हैं, दो दिन के हो गए हैं। तो ये जो उनसे ब्रीड है, इसकी इस ब्रीड के पपीज और होंगे? हाँ पपीज हैं इस ब्रीड के। ठीक हो गया। तो और पपीज भी आपको मिल जाएंगे? कितने पपीज हैं इसके अलावा? इसके अलावा 3 बच्चे और पड़े हुए हैं। 3 बच्चे और पड़े हुए हैं। तो जिस भाई को भी चाहिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इनसे। और अच्छा आप अगर इसकी एज की बात करें तो? ये हो गए आज 44 डेज के हो गए। अच्छा तो वैक्सीनेशन इनकी फर्स्ट? हाँ फर्स्ट शॉट लग गया। डिवॉर्मिंग भी होगी। अच्छा तो ये नॉन पेडिग्री है? हाँ इनके पेरेंट्स कैसी भी पेडिग्री है, इस दफा भी शो में फर्स्ट आए हैं। ठीक हो गया। तो डिमांड कितनी कर रहे हैं? ये 1,20,000 रुपए। 1,20,000 रुपए एक
जी एक पपी, एक पपी 1,20,000 पे गया, तो अगर पेयर किसने लेना हो तो कमी पेशी हाँ हो जाएगी, कमी पेशी हो जाएगी, कोई कमी पेशी के साथ चीज आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। अच्छी होती है पर हो जा तो ये वैसे किस एज में ब्रीड करते हैं? ये आ जाते हैं नाइन मंथ में स्टार्ट हो जाते हैं, नाइन मंथ में स्टार्ट हो जाते लेकिन नाइन मंथ में करानी नहीं चाहिए, कहते हैं कि 12 मंथ में करवाना चाहिए ताकि फीमेल और जो ब्रीड होती है ना ये हैवी हो जाती है। अच्छा मैच्योर हो जाएगा। हाँ मैच्योरिटी आ जाती है उनमें। सही ठीक हो गया। और स्टड वगैरह सर्विसेज हैं आपके पास यहाँ? लैब का स्टड पड़ा हुआ है बस। लैब का स्टड है तो लैब मेल कौन सा है? चॉकलेट है और ब्लैक है। किस? चॉकलेट कलर का मेल है तो वो भी अवेलेबल है यहाँ या वो कैनल पे पड़ा है? वो कैनल पे पड़ा है। कैनल पे पड़ा है ठीक होगा। तो उसकी जो है इंशाल्लाह वीडियो इसी के ऊपर चला देंगे हम इसके साथ ही, तो आप वो देख सकते हैं व्यूअर्स। जिस पर भी स्टार्ट करवाना वो इनके पास रब्ता कर सकते हैं। तो इसके अलावा कोई ब्रीड अभी पड़ी हुई है यहाँ पे या कैनल पे है? लैब के पपीज पड़े हैं वो 2 दिन के हैं, छोटे हैं अभी, 2-3 दिन के हैं जी। सही ठीक हो गया। तो बाकी जो सा यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा कैनल के बारे में अपने कुछ बताएं। अच्छा तो हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आपका कैनल किस जगह पे है और किसी ने आपसे डायरेक्ट आके कॉन्टैक्ट रब्ता करना हो, डायरेक्ट आना हो आपके कैनल पे तो उसके प्रोसेस वगैरह आप बता दें। जी मैं नंबर आपको बता दूंगा, मेंशन कर दीजिएगा ठीक है। और मेरे कैनल का नाम है बादशाह कैनल क्लब ठीक है। और मेरे पास रिट्रीवर के पपीज भी हैं, लैब के पपीज हैं और कैनकोर्सो के भी पड़े हुए हैं और डोगो अर्जेंटिनो के भी पपीज आ रहे हैं हमारे पास इंशाल्लाह। और किसी ने भाई ने इम्पोर्ट करवाना हो, कोई भी ब्रीड चाहिए हो, शेपर्ड के भी पपीज आने वाले हैं ठीक है, तो वो आपको मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं, आप जब मर्जी रब्ता कर लें। और अगर स्टड की बात करें, स्टड कौन कौन से मेल? स्टड मेरे पास पड़ा हुआ है ब्लैक लैब पड़ा हुआ है और चॉकलेट, जो ब्लैक है वो केसीपी है और जो चॉकलेट है वो पीकेसी है ठीक है, इम्तियाज भाई के ब्लड लाइन में से है ठीक हो गया। तो अगर उसके अलावा आपका कोई रेफर वगैरह किसी को हो गया, अगर किसी और कोई और ब्रीड पड़ी हुई है स्टड करवा रहा है आपको कोई? हाँ वो हो जाएगा, कोई इशू नहीं, अल्लाह के हुक्म से सब जानते हैं। ठीक हो गया। तो स्टड के लिए कितने दिन आना पड़ेगा? फीमेल के हिसाब से, फीमेल की डेट जो होगी उस हिसाब से स्टड करवाया जाएगा। ठीक हो गया। तो बाकी वो अपना एड्रेस भी बता दें और फोन नंबर भी आप बता दें। एड्रेस मेरा पिंडी राजपूता कोल्डकपुर लाहौर ठीक है, मालटाउन क्यूब्रोकली साइड पे आता है ठीक। और नंबर 0323469626626। और नाम आप? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान नाम है भाई का, बादशाह कैनल के नाम से इनका कैनल है जी। और जिस भाई को भी ये जो ब्रीड अभी दिखाई है आपको चाहिए हो उनसे कॉन्टेक्ट कर सकता है, नंबर आपको लेके दे दिया, एड्रेस भी आपको बता दिया। मजीद तफसील के लिए भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप। तो कॉन्टेक्ट के लिए आपका कोई टाइम लिमिट नहीं? कोई इशू नहीं है, जब मर्जी करें, नो प्रॉब्लम। ठीक हो गया। तो बाकी